मेरा वास्ता तो है ना इन लोगों से। पीटीवी के कई डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जो मेरे यार दोस्त हैं। और ठीक है कि ये ग्लैमर से भरी हुई दुनिया है, जाहिर है वो शोबिज में है और उसने मेरे साथ काम भी किया हुआ, मैं उसे जानता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? ओ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। खाक एंगल काम आगे होगा तो कोई एंगल काम में आएगा ना, ये प्रोजेक्ट अब खटाई में पड़ गया है। हाँ बेचारा अल्तमश, उसे ये सीरियल रास नहीं आया। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो मुझे मेरे बाबा की कसम, जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपनी मामा को बोलकर मुझे उनके ड्रामों में साइन करवाओ। लेकिन प्लीज तुम मुझसे मिलो, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी आपसे कुछ नहीं पूछा तो प्लीज आप भी कुछ नहीं पूछेंगे। वो बाबा, मैं नहीं चाहता कि अगर ईशा की मामा हमारे रिश्ते से इनकार कर दे तो। मैं बहुत परेशान हूँ, अब हम क्या करेंगे? बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। वाकई आपी, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बस हादसा हो गया हमारे साथ। यार तुम लोगों में से कोई किसी ऐसे लड़के को जानता है जिसके पास जापान का वीजा लगा हो? कोई लड़का हमारा हीरो वो आ सके? नहीं, अब मेरीना बाबा मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप लोग कंसिडर करें तो। बोलो। देखें आप, अल्तमश की जगह रमेल भाई को क्यों नहीं कंसिडर करते? हाँ ना, वो पहले एक्टिंग करते रहे हैं लेकिन फिर डायरेक्शन की वजह से इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी, और फिर हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। कहाँ से आएगा वीजे वाला हीरो इस वक्त? मैं? हाँ रमेल भाई, आप देखिए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन। इस वक्त हम बहुत बुरे फंसे हैं। आपको कोई एतराज है क्या? नहीं, कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन मैं एक वक्त में दो काम कैसे करूंगा मैं सोच रहा हूँ। और फिर देखो ना, मेरा और शीना का एज डिफरेंस भी तो बहुत है। अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, कैरेक्टर को जरा सा ओवरेज दिखाना पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा अगर आप लोग ये समझते हैं तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। ओके, फोन मिलाओ उसको, राइटर को। ठीक है, मैं सदफ को कहता हूँ वो सारी चीजें लाइन अप करें। तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये सब क्या हो गया? हादसा हो गया। लेकिन ये हादसा मेरी वजह से हुआ है ना, अगर तुम मेरी जान बचाने के लिए सामने ना आते तो वो तो और भी बुरा होता। खुदा ना खास्ता अगर ये हादसा तुम्हारे साथ पेश आ जाता और मैं बेवकूफ़ तमाशाई की तरह ये देखता रहता तो शायद जिंदगी भर में अपने आप को कभी भी माफ न कर पाता। लेकिन अब तो क्या, बस थोड़ी सी चोटें आई हैं, तो शरीर हड्डियाँ इधर उधर हो गई हैं टांग की। थोड़े दिन आराम करूँगा, ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। बस दुख इस बात का है कि सब कुछ सही चल रहा था, पहले तुम नाराज़ हुई और अब। छोड़ो उन बातों को, वो तो होता ही रहता है। लेकिन अब यह हादसा, बेचारी महरीन का सिर तो अटक गया ना। महरीन आप ही तो बस लपेट रही हैं सीरियल को। तुम खुद सोचो, रेमेल को हीरो ले लिया है तुम्हारी जगह। रेमेल को सुनो, तुम मुझसे मोहताज रहना, ठीक आदमी नहीं है। बाप की मोहब्बत क्या होती है, शफकत क्या होती है, मुझे नहीं पता। अरे मुंह दिखाई तो जब दोगे ना, जब मुंह देखोगे। यहाँ तो 2 दिन हो गए मैंने मुंह तक नहीं देखा। शादी मुबारक हो दोस्त, बहुत बहुत शादी मुबारक। अरे छोड़ यार सारी रस्मी बातें हैं, बैठ। अरे यार वेरी सॉरी मुझे एक ज़रूरी काम से मुझसे बाहर जाना पड़ गया यार। अरे छोड़ यार, बहाने हैं सारे तेरे। तूने महरीन के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जिस दोस्त का जिक्र करते आप थकते नहीं हैं, वो आपकी शादी में आया नहीं। कैसा दोस्त है आपका? यार एक कंसाइनमेंट के चक्कर में मुझे अमेरिका जाना पड़ गया। मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं जाता तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाता और मैं सड़क पे आ जाता। ओहो आशी, बच गया ना? बार बच गए। ये तो कारोबार की बातें चलती रहेंगी। ये बताओ भाभी कहाँ हैं? यार बड़ी जल्दी में था, वापसी में लंदन रुका। मैं उनके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूँ, आखिर मुंह दिखाई भी तो देनी है। अरे मुंह दिखाई तो जब दोगे ना, जब मुंह देखोगे। यहाँ तो 2 दिन हो गए मैंने मुँह तक नहीं देखा। क्यों, खैरियत तो है? वो कहाँ हैं? और जी शूटिंग कराने गई हैं किसी सीरियल में। अचानक पैच वर्क निकल आया था, जिस सीरियल की किस्तें अगले हफ्ते ऑन एयर हैं। ये सब तो उसकी प्रोफेशनल मजबूरी है, ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, क्यों? जब ये बात शादी से पहले ही हमने डिसाइड कर ली थी कि शादी के बाद कम से कम 1 महीने तक वो किसी को रिकॉर्डिंग की डेट्स नहीं देगी, तो फिर वो क्यों गई शूटिंग पे? ये सब बातें तो मैं नहीं जानता। अगर भाभी रिकॉर्डिंग पे गई हैं तो उनके लिए ये काम नागुज़ीर होगा। क्या अजीब आदमी हो तुम भी नफीस। पहले तुम उसकी मुखालफत करते थे, आज उसकी हिमायत करनी शुरू कर दी। इसकी 2 वजूहत हैं। वो क्या? इससे पहले मैं भाभी से मिला नहीं था। और दूसरी वजह? और दूसरी वजह यह है कि शादी बच्चों का खेल नहीं होता। ये एक संजीदा मामला है। शुरू में एक दूसरे की ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है ताकि एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा हो। चाहिए, अगर वो होश में आ गया ना वो हमें ढूंढेगा। ठीक है मैं यही हूँ। मैं जस्को से फिर खाना लेके आ रही हूँ सबके लिए, बहुत भूख लग रही है। यहीं रहना। हाँ, हाँ, कहीं जाना मत। यहीं बैठी हूँ। I'm sorry, really sorry. Excuse me. मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं और हाँ, और मुझे ये लगता है कि आप यकीनन मेरे बारे में ये सोच रही होंगी कि मैं कोई साइको हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस ऐसा लगा कि शायद मेरी शक्ल आपके किसी करीबी अजीज से मिलती होगी। माजरत चाहता हूँ, शायद कहीं मैं आपके लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन रहा। नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो ये काफ़ी दिलचस्प वाक़या मिल गया। पाकिस्तान जाकर अपने दोस्तों को हंस हंस के सुनाऊंगी कि वहाँ एक बड़े स्वीट से जेंटलमैन मिल गए थे और जब भी मुझे देखते थे चौंक कर रुक जाते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने स्वीट से जेंटलमैन के साथ एक कप कॉफ़ी का पी लें? I'd love to, क्योंकि मैं भी एक्चुअली अब क्यूरियस हो गई हूँ। वजह जानना चाहूँगी कि आप मुझे देखकर चौंकते क्यों हैं। लेकिन इस वक्त एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, मैं असल में किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। ओह, इट्स ओके। क्या कल आप यहाँ मिल सकती हैं? कुछ कह नहीं सकती। आप ऐसा क्यों नहीं करते, मैं आपको अपना सेल नंबर दे देती हूँ और कल फ़ोन पर टाइप कर लेंगे। ओके। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ ही पकड़ लिया? हाँ। फिर क्या, फ़ौरन सॉरी कह के छोड़ भी दिया। और आज हस्पताल के बाहर मुझे देखकर अचानक कुछ झटका खा के रुक गए। मेरे ख्याल में तुम्हारा कैरेक्टर एक शरीफ और ईमानदार आदमी का है। तो क्या मैं तुम्हें बदमाश लग रहा हूँ, लुच्चा लफंगा लग रहा हूँ? देख लो, तुम खुद डायरेक्टर हो। टेप रिवाइंड करके अपनी परफॉर्मेंस देख लो। तो बस यही सोच रही थी कि आपको क्या वक्त बताऊं। अच्छा, ऐसे कीजिए कि मेरा नंबर तो आपके फोन पे आ गया होगा ना। ऐसा लगा कि शायद मेरी शक्ल आपके किसी करीबी अजीज से मिलती होगी। आपी? आपी? पता नहीं मैंने आपको ये बात पहले बताई कि नहीं। हाँ, शायद नहीं बताई थी। चंद रोज़ पहले मुझे एक बहुत डिसेंट और अच्छे से शख्स मिले और मुझे देखते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ ही पकड़ लिया? हाँ। फिर क्या, फ़ौरन सॉरी कह के छोड़ भी दिया। और आज हस्पताल के बाहर मुझे देखकर अचानक कुछ झटका खा के रुक गए। हाँ, हो जाता है ऐसे। क्या हो जाता है? कोई चेहरा लगता है ऐसे शनासा सा, शायद पिछले जन्म का कोई चक्कर होता हो। या फिर तुम्हारी शक्ल मिलती है ना जापानियों से, हो सकता है उनकी कोई रिश्तेदार ऐसे तुम्हारे जैसी हो। आप ही रिलैक्स, हम मैनेज कर रहे हैं ना। ये यहाँ पे आई है सिग्नल में, ठीक है ना? उसके बाद और तू कर लेना। अब तुम डायरेक्टर हो, रोल मैं करवा दूंगा, क्यों तुमने देना है, ठीक है? शायद सही पोजीशन, ठीक है। आर यू रेडी शीना? जी जी। ओके चलो रोल करेंगे। चलें। ओ यार ठीक है यार, हवा चल रही है वैसे, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके चलो रोल, कैमरा रोलिंग। क्यों आप गालिबन किसी को तलाश कर रही है? जी मैं खो गई हूँ, मुझे ओसाका जाना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही ट्रेन कहाँ से मिलेगी। ओहो आपने ओसाका जाना है, तो आप तो गलत जगह आ गई हैं। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आप कहें तो मैं आपको ओसाका पहुंचा देता हूँ, ले जाता हूँ। जी शुक्रिया। कट कट। ओके वेरी वेल डन, वेल डन, वेरी वेल डन। मेरे ख्याल में तुम्हारा कैरेक्टर एक शरीफ और ईमानदार आदमी का है। क्या मैं तुम्हें बदमाश लग रहा हूँ, लुच्चा लफंगा लग रहा हूँ? देख लो, तुम खुद डायरेक्टर हो, टेप रिवाइंड करके अपनी परफॉर्मेंस देख लो। हाँ भाई रीडिंग क्या है, टेप अभी है या खत्म हो गई? रमेश भाई काफी ठरकियों वाला अंदाज था आपका, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मेरे ख्याल में तो दोबारा ही कर लें, कुछ खास मजा नहीं आया, जरा कमजोरी था। ओके लेट्स डू इट अगेन। आइए बीबी, आपने दोबारा एंटर होना है। हाँ अपने मार्क पे चलो जी। अच्छा अब टेक भी करो यार। अजीब नॉन पुरतानिया किस्म के लोग हैं, 1 घंटे समय बुलाया हुआ है और खुद सब लोग आए हैं। चलो अच्छा है, इस बहाने रिलीफ तो मिला, मैं तो थक गई थी सुबह से सीन कराते कराते। लेकिन इस तरह मुझे फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। देखो मैं काम करने आता हूँ, मेरा जी चाहता है कि आए बंदा काम करे, फारिग होकर घर चला जाए। देखो एक एक्टर जो है ना, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। अब ये थोड़ी है कि आप सुबह से लेकर रात तक सीन ही करवाते रहे। अब 4 सीन है और उसमें इतना लंबा लंबा गैप मेरी समझ से तो बाहर है। चलो अब गुस्सा थूक भी दो, मुझे तो भूख लग रही है, चल के कुछ खाते हैं। नहीं मैंने तो पहले ही वेट गेन कर लिया और इन रिकॉर्डिंग्स की वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा। मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। कम ऑन, हल्का फुल्का खाने से तुम्हारा वेट बढ़ नहीं जाएगा। चलो तुम्हें भूख लग रही है, आ जाओ। तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना, मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। झील में बूंदों की फिर खामोशियाँ खामोशियाँ